जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा में पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूसों के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद पुलिस और जांच टीमें उन हथियारों की तलाश में जुटी हैं जिनसे इन्हें चलाया गया। इस बीच गुरुवार को जांच टीम को कोटगरबी स्थित नीम वाली जियारत के पास दो कारतूस और दो खोखे मिले हैं। इनमें एक कारतूस और एक खोखा अमेरिका में बनी हुई 7.65 mm का है। ये इलाका जामा मस्जिद से बामुश्किल 500 मीटर की दूरी पर है। उधर जुमे नमाज और 6 दिसंबर को लेकर यानी आज के लिए पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। जामा मस्जिद के पास और शहर में जगह जगह पुलिस PAC, RAF और RRF तैनात कर दी गई है। SP बिश्नोई के मुताबिक अभी तक की जांच में 3 कारतूस और 7 खोखे मिल चुके हैं। इसमें पाकिस्तान में बनी हुई 9 mm का एक खोखा और एक कारतूस के अलावा अमेरिका में बनी हुई 312 बोर का एक खोखा साथ ही एक कारतूस मंगलवार को बरामद किया गया था। स्थानीय फॉरेंसिक टीम ने विदेशी कारतूस और खोखे सील कर दिए हैं। छानबीन पूरी होने के बाद इन्हें जांच के लिए बैलिस्टिक्स विशेषज्ञों के पास भी भेजा जाना है। SP का कहना है कि 24 नवंबर को उपद्रव करने के बाद उपद्रवी हाफिजों वाली मस्जिद की सड़क से नीम वाली जियारत की ओर भागे थे। इसके बाद नखासा तिराहे पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। पुलिस ने नखासा तिराहे से खदेड़ा तो हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में पथराव कर दिया गया। इन उपद्रवियों ने विदेशी हथियार भी इस्तेमाल किए। इसके प्रमाण यानी इसके सबूत पुलिस की छानबीन में मिल चुके हैं। खोखे मिलने से ये साफ हो गया है कि हथियार चलाए गए। अब सवाल ये है कि विदेशी हथियार संभल तक आखिर पहुंचे कैसे। पुलिस ने गुरुवार को बवाल में शामिल एक और आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने पूछताछ में कई और आरोपियों की भी पहचान बताई है। छानबीन के दौरान कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया और अब तक 3 महिला समेत 35 आरोपी जेल भेजे जा चुकी हैं। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई बवाल के साजिशकर्ताओं तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जो लोग जेल गए हैं वो सिर्फ उपद्रव करने वाली भीड़ का हिस्सा थे। बवाल का साजिशकर्ता अभी पकड़ में नहीं आ सका, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जुम्मे की नमाज और 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। जामा मस्जिद के पास और शहर में जगह जगह पुलिस PAC, RAF और RRF तैनात कर दी गए। बता दें कि DM और SP ने दोनों समुदाय के जिम्मेदार लोग और धर्म गुरुओं के साथ बैठकर शांति बनाए रखने की अपील की। बृहस्पतिवार को DM राजेंद्र पैंसिया ने उल्मा से अपील करते हुए कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करें कि वो जुम्मे की नमाज अपने क्षेत्र में मस्जिदों में ही अदा करें। जिले में धारा 163 लागू है, इसीलिए भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती। बवाल के आरोपियों की जेल में सपाइयों से मुलाकात के खेल में जेल अधीक्षक PP सिंह पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही बता दें DIG जेल की जांच में उनकी अहम भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।